आप इस कंपनी को भले ही ना जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके फेमस ब्रांड फेविकॉल को ना जानते हो। फेविकॉल के समय समय पर आने वाले अनूठे एड लोगों के दिलो दिमाग में बस गए हैं। इस ब्रांड की मालिक है पिडिलाइट, लेकिन क्या इसके शेयर भी उसी तरह से मजबूती वाले हैं जैसा कि इसका फेविकॉल? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। ये कंपनी एडहेसिव्स, सीलेंट्स, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस, कंस्ट्रक्शन केमिकल, इंडस्ट्रियल रसायन, पॉलीमर्स जैसे उत्पाद बनाती है। एडहेसिव सेगमेंट में कंपनी मार्केट लीडर है। बिक्री के हिसाब से फेविकॉल एशिया का सबसे बड़ा एडहेसिव ब्रांड है। कुल 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के जरिए कंपनी यूएस, सिंगापुर, मॉरिशस समेत कुल 71 देशों में कारोबार करती है। फेविकॉल डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, एरल्डाइट, फेविक्विक, फेविस्टिक, फेविगम, फेविबॉन्ड जैसे मशहूर ब्रांड्स इनके पास हैं। इसकी आय का करीब 2/3 हिस्सा शहरी इलाकों और 1/3 हिस्सा ग्रामीण इलाकों से आता है। बीते 5 साल से और खासकर पिछले 2 महीनों में शेयर ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अब इस बात का पता लगाते हैं कि शेयर में आखिर तेजी क्यों रही। इसकी वजह यह है, इसका बिजनेस मॉडल मजबूत है, नतीजों में लगातार सुधार हो रहा है। Q1 में कंसोलिडेटेड आय 60% बढ़ी, रिकॉर्ड लागत के बावजूद कामकाजी मार्जिन केवल 0.8% टूटे। CNB सेगमेंट में आय ग्रोथ 64% और B2B सेगमेंट की आय ग्रोथ 50% रही। Q1 में B2B सेगमेंट का EBIT मार्जिन 8.7% से 1.7% बढ़कर 10.4% रहा। VM की कीमतें $2,200 से $2,400 मीट्रिक टन से घटकर $2,000 मीट्रिक टन के नीचे फिसली। VM की कीमतों में कमी से FY23 की दूसरी छमाई से मार्जिन में सुधार की उम्मीद। मैनेजमेंट ने FY23 के लिए 20% से 24% के कामकाजी मार्जिन का गाइडेंस दिया। FY22 में कंपनी का कामकाजी मार्जिन 18.6% पर रहा था। बीते 12 महीने में कंपनी ने कीमतों में 14% से 18% की बढ़ोतरी की। कीमतों में वृद्धि के चलते अंतर्राष्ट्रीय सब्सिडरी कंपनियों की आय ग्रोथ 15% से 20% के बीच रही। हालांकि इसकी महंगी वैल्यूएशन की वजह से ये ब्रोकर्स को नहीं भा रहा। ब्रोकर्स इस शेयर को लेकर बुलिश नहीं है। BOB कैपिटल ने ₹1,870 के टारगेट के साथ इसे बेचने की सलाह दी है। ICICI डायरेक्ट ने ₹2,510 के टारगेट के साथ इसे होल्ड करने का सुझाव दिया है। सिर्फ शेर खान ने ₹2,550 के टारगेट के साथ इसे खरीदने का सुझाव दिया है। अभी जानते हैं कि शेयर से आखिर ब्रोकर्स खुश क्यों नहीं है। असल में कच्चे माल यानी VAM की कीमतों में कमी के बावजूद वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में कंपनी का लागत खर्च रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। VAM की कीमतें वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में $1,608 पर MT के मुकाबले वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में बढ़कर $2,200 से $2,400 पर MT हुई। लागत बढ़ने से साल दर साल ग्रॉस मार्जिन 7.4% घटकर करीब 42% और कामकाजी मार्जिन 17.9% से घटकर 17.1% रहे। मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भी कंपनी के मार्जिन पर दबाव जारी रहने की आशंका है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि लागत में स्थिरता आने में 6 से 9 महीने का वक्त लग जाएगा। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में कमजोर मांग छोटी अवधि के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसके अलावा ब्रोकर कंपनी के शेयरों का वैल्यूएशन महंगा मान रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 का PE 104 गुना रहने का अनुमान है, जो कि 67 गुना के 5 साल के औसत से काफी अधिक है। ग्रोथ और मार्जिन को लेकर जोखिम इस वैल्यूएशन में डिस्काउंटेड नहीं है। अब ये भी देख लेते हैं कि दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले पिडिलाइट का प्रदर्शन कैसा है। कुल मिलाकर बात यह है कि कंपनी का कारोबार काफी मजबूत है, लेकिन आगे इसके लिए कई चुनौतियां दिख रही हैं। पिछले सालों में शेयर ने निवेशकों को जबरदस्त कमाई कराई है। अब हाल ये है कि 2 महीने में 35% से ज्यादा की रिटर्न के बाद शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई के बेहद करीब है। ज्यादातर ब्रोकर के लक्ष्य भी हासिल हो गए हैं। इसलिए अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं या फिर खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपको 10 से 20% तक गिरावट का इंतजार करना होगा।